650cc कैटेगरी एक स्टेपिंग स्टोन की तरह है जिसपे ज्यादातर एंथुजियास्ट्स अपनी स्किल को डेवलप करते हैं, और इस स्पेस में कावासाकी ने अपनी Z650 स्ट्रीट बाइक, निंजा 650 स्पोर्ट्स टूरर, वर्सेस 650 एडवेंचर टूरर और वल्कन एस क्रूजर बाइक के साथ हर तरह के राइडिंग एंथुजियास्ट को काफी सालों से खुश रखा है। तो आज हम इस मशहूर बाइक रेंज में से वर्सेस 650 के लेटेस्ट वर्जन की खूबियों और खामियों को परख कर तय करेंगे कि ये किस तरह के राइडर को सूट करेगा। पर उसके पहले तो चलिए शुरू करते हैं 2022 वर्सेस 650 की खूबियों से। नए वर्सेस 650 को फ्रंट व्यू से देखें तो समझ आता है कि ये वर्सेस 1000 से इंस्पायर्ड है, पर फर्क सिर्फ विजुअल चेंजेस पे सीमित नहीं है क्योंकि अब हेडलाइट और इंडिकेटर्स दोनों एलईडी हैं। अगला बड़ा चेंज है इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जो पिछले वर्जन के कॉम्पैक्ट सेमी एनालॉग लेआउट के बजाय अब एक TFT स्क्रीन है, जहां आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ स्विचेबल मल्टी लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, हालांकि इसमें अब भी नेविगेशन नहीं है। और फाइनली, हालांकि पिछले वर्जन में भी फ्लाई स्क्रीन एडजस्टेबल था, पर इस वर्जन में इसे एडजस्ट करना और भी आसान हो गया है। वर्सेस 650 का अगला पहलू जो सबको पसंद आएगा वो है इसका कंफर्टेबल राइड, जिसके मेनली दो वजह हैं। पहला है इसका सस्पेंशन सेटअप, जो हमारे रस्तों के ज्यादातर गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स को आसानी से हैंडल कर लेगा और सिर्फ एकदम शार्प झटके ही राइडर तक पहुंच पाएंगे। और तो और, यहां आपको सामने और पीछे एडजस्टेबिलिटी मिलता है, तो आप इसे अपने मुताबिक सेटअप भी कर पाएंगे। साथ में इसका चौड़ा हैंडल बार, सपोर्टिव सीट और सेंटर सेट फुट पेग्स के वजह से राइडिंग स्टांस अपराइट है, और इसके चौड़े टैंक को आप अपने पैरों से आसानी से ग्रिप कर सकते हैं। और इन सब के साथ आप इसके एडजस्टेबल फ्लाई स्क्रीन को जोड़ दें तो ये ज्यादातर राइडर्स के लिए परफेक्ट होगा। लेकिन हाँ, इसका सीट हाइट कम हाइट वाले राइडर्स को थोड़ा दिक्कत दे सकता है। वर्सेस 650 के इस लेटेस्ट वर्जन में इंजन में कोई चेंज नहीं है, जो एक्चुअली अच्छी बात ही है, क्योंकि इस इंजन की परफॉर्मेंस ना ही सिर्फ काफी दमदार है बल्कि इसकी पावर डिलीवरी भी काफी मैनेजेबल है। अच्छे खासे लो एंड टॉर्क के होते हुए ये सिटी राइडिंग भी बड़ी आसानी से कर लेगा, और आप फर्स्ट या सेकंड गियर में भी बिना हिचकिचाहट के ट्रैफिक के बीच में से गुजर पाएंगे, जहां इसके लाइट क्लच एक्शन और प्रिसाइज गियर बॉक्स के होते हुए आपको डेली कम्यूट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो और, इस इंजन का हीट मैनेजमेंट भी काबिले तारीफ है, जहां भरे ट्रैफिक में भी ओवरहीटिंग का डर नहीं होगा। और जब आप खुले रस्तों की ओर बढ़ें तो इसके धमाकेदार एक्सेलरेशन के बदौलत आप मानो पलक झपकते ही 100 किलोमीटर पर आवर को छू पाएंगे, और इनफैक्ट पूरा दिन ही 120 के स्पीड पे क्रूज कर पाएंगे। हालांकि इसका एक छोटा सा साइड इफेक्ट भी है, जिसके बारे में हम आपको अगले सेक्शन में बताएंगे। और फाइनली, माना कि इस बड़े और पावरफुल इंजन से आप कुछ खास फ्यूल एफिशिएंसी की आशा नहीं करेंगे, और हमारे टेस्टिंग के दौरान हमें इससे सिर्फ 17 किलोमीटर पर लीटर का ही एवरेज एफिशिएंसी मिला। और फिर भी वर्सेस 650 के बड़े फ्यूल टैंक के वजह से आप कम से कम 300 किलोमीटर बिना पेट्रोल की चिंता किए जा पाएंगे। तो ये थी कावासाकी वर्सेस 650 की खूबियां। अब एक नजर डालते हैं इसकी खामियों पे। अब जैसे हमने पहले ही कहा, आप वर्सेस 650 पे हाई स्पीड टूरिंग कर तो सकते हैं, लेकिन करीब 120 किलोमीटर पर आर के ऊपर आपको हैंडलबार और फुटपेग से वाइब्रेशन महसूस होंगे, जो हालांकि आपको अनकंफर्टेबल तो नहीं करेंगे, पर ऐसे टूरिंग फोकस्ड बाइक को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा इरिटेटिंग तो जरूर लगेगा। सिटी राइडिंग हो या लॉन्ग टूर्स, वर्सेस 650 सब आसानी से कर लेता है, और ये ज्यादातर उबड़ खाबड़ रस्तों को भी काफी हद तक हैंडल कर लेता है। लेकिन इसकी क्षमताओं के भी लिमिट्स हैं। सबसे पहले इसके रोड बायस टायर सेटअप, मतलब सामने और पीछे 17 इंच टायर्स होने के वजह से ये खराब रास्ते या ज्यादा से ज्यादा हल्का फुल्का ऑफ रोडिंग ही कर पाएगा, जहां पे इसके मल्टी लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल के होते हुए आपको हो सकता है शिकायत का मौका नहीं हो।
पर उसके बाद भी कुछ चीजों के वजह से आप इसके पूरे कैपेबिलिटीज का मजा नहीं उठा पाएंगे। सबसे पहले इसके टायर्स अब भी वेट कंडीशंस में राइडिंग कॉन्फिडेंस नहीं देते, और तो और इसमें डुअल चैनल एबीएस तो है जिस वजह से ब्रेकिंग कैपेबिलिटी की कमी ना हो, पर वेट कंडीशंस में एबीएस का सेटिंग काफी इंट्रूसिव लगने लगता है। तो अब तक हमने देखा कि वर्सेस 650 में आपको अच्छा परफॉर्मेंस, डिसेंट टूरिंग एबिलिटी, यूजफुल फीचर्स और राइडिंग एड्स मिलते हैं। साथ में हालांकि ये अपने पिछले वर्जन से 21,000 रुपए महंगा है, फिर भी इसकी कीमत इसके राइवल्स से कम ही है। पर वर्सेस 650 में कुछ और भी छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको इसे खरीदने से पहले जानना चाहिए, जैसे कि इसका परफॉर्मेंस जो भले ही अच्छा है लेकिन ये फिर भी काफी लीनियर है, ना कि कुछ खास एक्साइटिंग। और तो और दूसरे कावासाकी बाइक्स की तरह इसके स्पेयर पार्ट्स भी काफी महंगे हैं। तो 100 बातों की एक बात, अगर आप अपने पहले बिग बाइक के बारे में सोच रहे हैं और आपको एक कंफर्टेबल और इजी टू राइड बाइक चाहिए जिसपे आप लॉन्ग टूर्स ही नहीं बल्कि अपना डेली कम्यूट भी कर सकें, और आपको ऑफ रोडिंग से कुछ खास लगाव नहीं है, तो कावासाकी वर्सेस 650 आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस होगा। लेकिन हाँ, इसे खरीदने के बाद इसके टायर्स को बदलना मत भूलना। तो कावासाकी वर्सेस 650 पे आपके क्या ख्याल हैं, और अपने पहले मल्टी सिलेंडर बाइक के तौर पे आप कौन सी बाइक चुनेंगे, कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपका कोई दोस्त अपने पहले बिग बाइक खरीदने की सोच रहा हो तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। साथ में हर तरह के टू व्हीलर के बारे में हिंदी में जानने के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए बाइक देखो।